नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो अडानी विलंबर कंपनी का आईपीओ आने वाला है आज, उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप बिड कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है, आप कैसे पेमेंट करेंगे, कौन सी ऐप से सही पेमेंट जल्दी सबमिट होगी, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अडानी विलंबर कंपनी का आईपीओ लगाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप जीरोधा की एप्लीकेशन के ऊपर जाएं। यदि आप जीरोधा चलाते हैं तो जीरोधा के ऊपर जाएं, वरना दोस्तों आप अपस्टॉक या दूसरे एंजल ब्रोकिंग दूसरे कंपनी के ऐप चलाते हैं तो आप उन पे जा सकते हैं। तो हम जीरोधा चलाते हैं तो आपको जीरोधा से बताएंगे। तो आप जब जीरोधा कंपनी की एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको अपना पिन एंटर करके एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी। और दोस्तों आपको बता दें, यदि आपने जीरोधा के अंदर अपना अकाउंट नहीं ओपन किया तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हमने वीडियो भी अलग से बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या आई बटन के ऊपर मिल जाएगा भी, आप वहाँ से डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अडानी विलंबर कंपनी का आईपीओ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप इनकी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको सभी कंपनियों के जो रेट है शेयर के वो मिल जाएंगे। आप यहाँ से किसी भी कंपनी का रेट चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने लिए शेयर खरीद भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ऐसे सभी जानकारी इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों, यदि आपको आईपीओ लगाना है अडानी विलंबर कंपनी का तो स्टार्टिंग में आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना है और यहाँ आपकी प्रोफाइल मिल जाएगी, सेटिंग मिल जाएगी, फंड मिल जाएंगे, यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हैं, सब भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों उस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको आईपीओ लगाना है तो आपको आईपीओ के ऊपर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप आईपीओ के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आईपीओ अब लेटेस्ट आया हुआ है उसकी लिस्ट आपके सामने मिल जाएगी और जो क्लोज हो चुके हैं उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। यदि आप अपकमिंग आईपीओ चेक करना चाहते हैं तो ऊपर चेक अपकमिंग आईपीओ का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके अपकमिंग आईपीओ भी चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर दोस्तों, यदि आपको अडानी विलंबर का आईपीओ लगाना है तो आपको स्टार्टिंग में ये चेक करना है कि कितना लॉट क्वांटिटी आप कितना लॉट आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, कितने क्वांटिटी है एक लॉट के अंदर, सभी जानकारी आपको स्टेटस के अंदर मिलेगी। तो आप स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑफर स्टार्ट, ऑफर एंड, अलॉटमेंट, इंस्टॉल, फाइनलाइजेशन या फिर रिफंड, डीमेंट ट्रांसफ़र, लिस्टिंग, मैंडेट एंड, यानी कब समाप्त होगा आईपीओ, कब स्टार्ट होगा, सब भी स्टेटस के अंदर मिल जाएगी। और आप मैक्सिमम कितने लॉट लगा सकते हैं या फिर एक लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, सभी जानकारी इसके अंदर आपको मिलेगी। फिर दोस्तों, यदि आपको आईपीओ लगाना है तो आपको बिड के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। जब दोस्तों आप बिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा और यहाँ आपको सभी जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपको शो डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इशू ओपन 27 तारीख का, इशू एंड है 31 तारीख का, इशू साइज इतना है, इशू प्राइस 218 से 230 रुपये और मैक्सिमम क्वांटिटी है 65 शेयर की। ठीक है दोस्तों, एक लॉट के अंदर 65 शेयर आएंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी UPI आईडी डालनी है, जिस आईडी से आप इसकी पेमेंट होल्ड करवाएंगे। और नीचे दोस्तों आपको टाइम दिया गया है कि आईपीओ विंडो ओपन होगी 10 AM से 4:30 PM तक। ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच ही आपको आईपीओ के लिए बिड लगानी है। इसके बाद दोस्तों आपको इन्वेस्टर टाइप सिलेक्ट करना है। इन्वेस्टर टाइप के अंदर दोस्तों आप यदि इंडिविजुअल है तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों नीचे क्वांटिटी डालनी है कि आप एक लोट खरीदना चाहते हैं तो आपको 65 डालना है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप ज़्यादा लोट खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोट का एक ही साइज होता है कि कंपनी आपको एक लोट देगी, दो लोट देगी, 12 लोट देगी, वो आपको आईपीओ के डिटेल के अंदर मिल जाएगा कि इस कंपनी के आईपीओ के लिए आप मैक्सिमम कितने लोट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर टाइप करना है। यदि आप कोई फिक्स प्राइस के ऊपर खरीदना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्राइस डाल सकते हैं, 218 से 230 के बीच, लेकिन यदि आप कट ऑफ प्राइस पे डालेंगे तो आईपीओ मिलने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ प्राइस ही सही होता है और उसके ऊपर ही ज़्यादा आईपीओ अलॉट होते हैं। तो आपको कट ऑफ प्राइस करना है, फिर सिंपली नीचे आपको नीचे एक चेकबॉक्स दिया गया है, इसको क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, एप्लीकेशन आईपीओ एप्लीकेशन सबमिटेड की। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपने जो भी यूपीआई डाली थी उसी के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाएगी आईपीओ की, जितनी पेमेंट होल्ड होनी है उतने रुपए की। ठीक है, फिर वहां से आपको पेमेंट सबमिट करनी है और फिर आपकी उतनी पेमेंट होल्ड हो जाएगी। और फिर दोस्तों जब 3 तारीख को यानी फेब 3 को
इसकी अलॉटमेंट होगी, तो उस समय यदि आपको आईपी मिलेगा तो आपकी पेमेंट काट ली जाएगी, वरना आपकी पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतने दिन के लिए आपकी पेमेंट होल्ड होगी और उसके बीच आप उस पेमेंट को यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसे आप अडानी विल्मर कंपनी का आईपीओ लगा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे शेयर मार्केट के अंदर कमा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम दोस्तों इसके लिए आपको अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे और आपकी क्यूरी का रिप्लाई भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।